अंतर्राज्यीय भान चोर गैंग का खुलासा। संभल में पुलिस ने अंतर्राज्यीय भान चोर गैंग का खुलासा कर दो भान चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने दो कार, 14 मोटरसाइकिल और दो तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस का गुड वर्क नखासा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने दो बाइक पर सवार दो वाहन चोरों को तमंचे कारतूसों समेत गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने भट्टे में छुपा कर रखी गई थी दो कार और बाहर 12 बाइकें। वहीं इस दौरान गैंग के दो सदस्य भागने में कामयाब रहे। एसवी चक्रेश मिश्रा ने वाहन चोर गैंग का पीसी कर खुलासा किया। थाना नखासा की पुलिस व एसओजी सर्विलांस की टीम के द्वारा आज एक बड़ा खुलासा करते हुए करीब 14 बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में दो फोर व्हीलर, जिसमें एक सेंट्रो और एक होंडा सिटी है, इनको आज बरामद किया गया है। इसके साथ में दो अभियुक्त, जिनका नाम सोमवीर और लोकेश है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के पास से एक एक तमंचा जो अवैध रूप से निर्मित है वो, और उसके साथ में कुल 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर ये गाड़ियां बरामद की गई। इनको लिंक करने की कोशिश की जा रही है कि जो इनके मालिक हैं उन तक ये पहुंचाया जा सके। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इनके दो साथी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साथ में इन लोगों के विरुद्ध, चूँकि प्रकाश में आया है कि इनके द्वारा पहले भी चोरी की घटनाएँ की जा चुकी हैं, तो गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ में इन्हें माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। सर, कहाँ से चोरी क्या करते थे? इनकी चोरी की जो अभी तक बाइकों की प्राप्त हुई है वो दिल्ली से कुछ चोरी की गई हैं और कुछ संभल जिले के अंदर से भी चोरी की गई हैं। सर, इनके और भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं? इनके आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया अभी हमारे पास। इनके सोमवीर के 4 और लोकेश के 3 मुकदमों की जानकारी मिली है, अन्य मुकदमों की जानकारी की जा रही है।